Chappelle Cut. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास फोर्थ का लेसन 10, ऑनेस्ट मीना। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। ये एक्टिविटी दी गई है स्टूडेंट, ये आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पे स्पेक्टर है, ये पजल सॉल्व करके आपको इंस्पेक्टर को चोर के पास पहुंचाना है। ओके, अब आते हैं हम स्टोरी पे। हमारे कैरेक्टर्स हैं साइंटिस्ट वरुण प्रताप, वाइफ कांति देवी, डॉटर प्रियंका, लैब असिस्टेंट नमन कुमार, मेड मीनाबाई, क्लर्क अंशु सिंह, साइंटिस्ट ब्रदर अरुण प्रताप एंड पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर चौधरी। आप देखिए जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है इस स्टोरी में क्या है कि वरुण प्रताप हाउस इज क्वाइट, एवरीवन लुक्स पल विथ फियर एक्सेप्ट कांति देवी। मतलब वरुण प्रताप के घर में सन्नाटा फैला हुआ है केवल उसकी पत्नी कांति देवी को छोड़कर। कांति देवी ऑन द टेलीफोन, हेलो इज दिस पुलिस स्टेशन, आई एम कांति देवी मिस्टर वरुण प्रताप्स वाइफ। कांति देवी पुलिस स्टेशन में कॉल कर रही है, क्या आप ये पुलिस स्टेशन है, मैं कांति देवी वरुण प्रताप की वाइफ बात कर रही हूँ। वॉइस ऑन टेलीफोन, सॉरी फोन, फोन से आवाज आती है मिस्टर वरुण प्रताप द साइंटिस्ट। ठीक है, वो पूछते अच्छा वरुण प्रताप द साइंटिस्ट, तो कांति देवी बोलती यस आई एम कांति देवी कॉलिंग फ्रॉम मिस्टर वरुण प्रताप हाउस। मतलब मैं कांति देवी बात कर रही हूँ वरुण प्रताप के घर से। वॉइस दिस इज इंस्पेक्टर चौधरी, वॉट कैन आई डू फॉर यू मैम, वो पूछते हैं कि मैं इंस्पेक्टर चौधरी बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कांति देवी इंस्पेक्टर चौधरी यू विल हैव टू कम टू माई हाउस इमिजिएटली, आप मेरे घर आइए जल्दी, बहुत जल्दी। माई हस्बैंड हैज बी मर्डर्ड, मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया है। ही वॉज वर्किंग इन हिज लैब लेट लास्ट नाइट, वो अपनी लैब में काम कर रहे थे लास्ट नाइट में। ओके एज यूजुअल, हमेशा की तरह। I had gone to sleep after dinner. This morning, my maid Meena Bai woke up and told me that my husband had been murdered in his bedroom. Please come over right away, Inspector. मतलब मैं हमेशा की तरह, मेरे हस्बैंड अपनी लैब में काम कर रहे थे, मैं खाना खाकर सो गई थी, सुबह जब मैं उठी तो हमारे घर की नौकरानी मीना, तो उन्होंने कहा, मेरी नौकरानी ने मुझे आके बताया कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया है उनके बेडरूम में, तो प्लीज आप आइए, ठीक है जल्दी आइए। अब इंस्पेक्टर, आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट द इंसिडेंट मैम, आई विल कम विद इन 10 मिनट्स, मीन वाइल प्लीज डोंट लेट एनीवन लीव द हाउस, आई नीड टू स्पीक टू एवरीवन। इंस्पेक्टर ने कहा मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ मैम, मैं 10 मिनट में वहां पर आता हूं, तब तक आप किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दीजिएगा बिकॉज मुझे सबसे बात करनी है। कांति देवी ओके आई विल नॉट लेट एनीवन लीव, मैं किसी को भी यहां से नहीं जाने दूंगी। मीना बाई स्कैर्ड, डरी हुई, मैम प्लीज लेट मी गो होम, मैम मुझे मेरे घर जाने दो। ठीक है, डर के बोलती है वो, आई एम ट्रेबली अफेयर्ड ऑफ पुलिसमैन, मैं पुलिस वालों से बहुत डरती हूँ। मैम आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर व्हेन दे कम, मैं यहाँ नहीं रहूंगी जब वो यहाँ पर आएंगे। मतलब वो रोते हुए बोल रही है, ये देखो आपको दिखाई दे रही है ना पिक्चर में, देखो ये नौकरानी रोते हुए बोल रही है, देखो आंसू निकल रहे हैं उसकी आंखों से। ठीक है, अब आते हैं हम आगे स्टोरी पे। कांति देवी मीना देयर्स नो नीड टू क्राई, ओनली द गिल्टी विल बी पनिश्ड। मतलब मीना ने कहा कि तुम्हें, मतलब वो कांति देवी कहती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ओनली द गिल्टी विल बी पनिश्ड। मतलब वो जो जिनको सजा मिलती है वो गिल्ट करते हैं। नमन कुमार मीना इज क्राइंग फॉर अवर मास्टर, मतलब मीना किसके लिए रो रही है, नमन कुमार कहते हैं कि अपने मतलब मालिक के लिए रो रही है। मैम शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मास्टर, मतलब वो बहुत करीब थी कांति देवी, हु वॉजंट, He was such an amazing man, so full of kindness and love for everyone. Who could have killed such a nice man? फिर कांति देवी बोलती बहुत तो बहुत अच्छे इंसान थे, हर इंसान से प्यार और दयालु थी, मतलब दयालुता थी उनके मन में, ऐसे इंसान को कौन मार सकता है। नमन कुमार Who indeed? Start crying, मतलब ऐसा कौन कर सकता है। ठीक है, indeed का मतलब करना, ऐसा कौन कर सकता है, वो भी रोते हुए बोलता है। अब कौन आ रहा है, इंस्पेक्टर चौधरी बॉक्सिंग, इंस्पेक्टर चौधरी आ जाते हैं। इंस्पेक्टर चौधरी हेलो मैम, मिस्टर प्रताप वॉज लव्ड बाय एवरीवन, आई कांट बिलीव दिस। इंस्पेक्टर चौधरी बोलते हैं कि मैम प्रताप सिंह, जो प्रताप थे मिस्टर प्रताप, वो तो हर किसी से प्यार करते थे, फिर उन्हें कौन मार सकता है। कांति देवी इंस्पेक्टर डू व्हाटएवर यू कैन टू फाइंड द मर्डरर, आई कांट फॉरगिव द इविल पर्सन,
डिड दिस टू माई डियर हस्बैंड, मतलब आप जल्द से जल्द पता लगाइए या ढूंढिए उस मर्डरर को, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और जिसने मेरे हस्बैंड को मारा है। इंस्पेक्टर, कैन आई टॉक टू ऑल द मेंबर्स ऑफ योर हाउस होल्ड वन बाय वन, मतलब आपके घर में जो जो भी पर्सन है मुझे उनसे एक के बाद एक क्या मैं बात कर सकता हूँ? कांति देवी, यस। मीना, नमन द लैब टेक्नीशियन एंड अंशुल अवर क्लर्क आर हियर नाउ, मतलब जो मीना है, ठीक है, नमन है और लैब टेक्नीशियन है, ठीक है, अंशुल है जो क्लर्क है, ठीक है, ये मतलब, और मेरी डॉटर प्रियंका एंड माय ब्रदर इन लॉ अरुण आर आल्सो हियर, मतलब ये सब यही है। अंशुल, यू कम हियर फर्स्ट, सबसे पहले अंशुल को बुलाते हैं। अंशुल, सिवरली, सिवरलिंग का मतलब होता है शेक साइलेंटली बिकॉज फ्राइटेड, मतलब डरते हुए अपने हाथ हिलते है ना, उस तरह से वो हिल रहा है। गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, बोलता है आई कम फ्रॉम अन ऑनेस्ट फैमिली, मैं एक बहुत ही सच्ची फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माई फादर वर्क फ्रॉम मास्टर्स फादर फॉर 30 years, मतलब जो मेरे पिता थे उन्होंने हमारे जो सर है मतलब प्रताप सिंह उनके उनके साथ सॉरी उनके पिता के साथ 30 सालों तक काम किया है। आफ्टर माई फादर्स डेथ, मेरे पिता के मरने के बाद आई हैव वर्क फ्रॉम मास्टर फॉर 17 years, मैं मतलब मालिक के साथ 17 सालों से काम कर रहा हूँ। Why would I kill master? मैं उन्हें क्यों मारूंगा? Inspector, nobody said that you have killed your master. ऐसा किसी ने नहीं कहा कि तुमने मारा है अपने मालिक को। Calm down. Please, मतलब शांत हो जाओ। Tell me, मुझे बताओ, who visited your master yesterday? मतलब ये बताओ कि पिछले दिन मतलब जो चला गया ना उसे बोलते yesterday, तब आपके सर से मतलब मालिक से कौन मिलने आया था? अंशुल सिंह, मिस्टर अजय लाल मास्टर्स फ्रेंड, मतलब अजय लाल मिलने आए थे जो कौन थे, प्रताप सिंह के फ्रेंड थे। विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट बिफोर डिनर, मतलब डिनर के पहले कुछ मिनट मिलके गए। इंस्पेक्टर एंड और अंशुल सिंह, आई सो हिम गोइंग सून माय वर्क वाज ओवर एंड आई लेफ्ट फ्रॉम द डे, मतलब उनके मिलने के थोड़ी देर बाद मेरा काम खत्म हो गया और मैं वहां से चला गया। इंस्पेक्टर, डू यू स्टे टिल डिनर टाइम एवरी डे, उसने पूछा क्या तुम हमेशा डिनर टाइम तक रहते हो? अंशुल सिंह ने कहा नो, यस्टरडे आई हैड सम वर्क, नहीं मतलब कुछ मुझे कल ज्यादा काम था इसलिए रुका था। इंस्पेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड यू हैव, मतलब तुम किस तरह का काम करते हो? फिर अंशुल सिंह ने कहा मास्टर वांटेड सम प्रिंटआउट्स ऑफ हिज रिसर्च पेपर्स यस्टरडे, ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही गॉट द रिजल्ट ही वाज लुकिंग फॉर, मतलब जो प्रिंटआउट या जो रिसर्च करते हैं उसके प्रिंटआउट वगैरह मैं निकाल कर सर को देता हूँ, कल सर मतलब जो सर थे वो कल बहुत खुश थे बिकॉज उनका कुछ रिजल्ट आ गया था जो वो काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर, विच रिजल्ट, मतलब कैसा रिजल्ट? कांति देवी, इंटरप्टिंग, मतलब रोकते हुए, बीच में जब इंसान कोई, जैसे दो इंसान बात कर रहे हो बीच में कोई तीसरा रोकता है उसे बोलते हैं इंटरप्ट, तो इंटरप्टिंग करते हुए कांति देवी कहती है माय हस्बैंड वाज वर्किंग ऑन अ मेडिसिन दैट कुड क्योर कैंसर, मतलब मैं जो मेरे हस्बैंड थे वो कैंसर से बचने के लिए मेडिसिन बना रहे थे, ठीक है। लास्ट वीक ही टोल्ड मी दैट ही वाज श्योर दैट दिस मेडिसिन हैड ग्रेट पावर टू क्योर कैंसर, मतलब उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते बताया था अगर ये मेडिसिन बन गई तो उस मेडिसिन में बहुत बड़ी पावर है कैंसर से लड़ने के लिए। एंड दैट द मेडिकल कंपनी वाज बिलिंग, और मेडिकल कंपनी को जिसे इसमें लिखा है ना टू बी हैप्पी टू समथिंग इट डिटेल, मतलब मेडिकल कंपनी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और वो बहुत खुश होगी। टू पे करोड़ ऑफ रुपीज फॉर दिस फाइंडिंग, और वो उन्हें करोड़ों रुपए इस मेडिसिन के लिए देगी। अब पढ़ते हैं आगे स्टोरी क्या है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर, ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है तो अभी ये जो हमने आधी स्टोरी पढ़ी है ये पार्ट वन हमने आज कंप्लीट कर लिया है लेसन 10 का। आगे की स्टोरी हम इस लेसन के पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।